श्री राम हो गया काम, जय श्री राम हो गया काम, जय श्री राम हो गया काम, जय श्री राम हो गया काम। रोक ना पाए बाबर अकबर श्री राम का नारा, अरे नस नस में हरिंदू के राम का नाम समाया। 500 सालों का इंतजार आज खत्म हो गया, वो 22 तारीख आ गई जिसका लोगों को इंतजार था। आज रामलला 500 साल बाद अपने मंदिर में विराजमान हो गए। इस समय मैं भी मंदिर के बाहर मौजूद हूँ और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जरा बातचीत करते हैं कि दिवाली और होली आज ही बना दी गई, दोबारा से दिवाली आई, लोग सड़कों पर उतरे और राम की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जरा बातचीत करते हैं, समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे ही बातचीत करते हैं। विजय कांत चौहान जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि तमाम लोग ऐसे थे जो विरोध कर रहे थे, अब उन विरोध के मुंह पर भी ताला लग चुका है और जो ताला खुलवाने की बात करते थे वो तो राम मंदिर पहुँचे ही नहीं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रोक ना पाए बाबर अकबर श्री राम का नारा, रोक ना पाए बाबर अकबर श्री राम का नारा, अरे नस नस में हरिंदू के राम का नाम समाया। अरे मुल्ला काजी हमें सताए, हिंदू अब न डरेंगे, मान सरोवर से लेकर मक्का भी छीनेंगे। अरे बहुत हुए बलिदान, ओ हिंदू तू कब है जागेगा, ये मुल्ला तेरी बहनों को नोच नोच खाएगा। अरे बहुत हुए बलिदान, देश के बेटों जागो, अब बंदूक उठानी है, जिंदा तभी तुम्हारी भगत सिंह आज़ाद कहानी है, जिंदा तभी तुम्हारी भगत सिंह आज़ाद कहानी है, भारत माता की। मैं तमाम भारतवासियों को आज के ऐतिहासिक पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सबसे अपील करता हूं, राम राज्य आ चुका है, अखंड भारत के निर्माण की ओर हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और पूरा भारत आज खुशी मना रहा है। तमाम भारत के सनातनियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, सब लोग अपने आज अपने घर दिए जलाएं और मोदी योगी की लंबी उम्र की प्रार्थना की कामना करें। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव है, कांग्रेस के राहुल गांधी है, तमाम लोग विरोध करते थे, क्या? जय श्री राम, कांग्रेस खत्म, सारा विपक्ष खत्म, सिर्फ एक ही बात करेंगे, पूरे धरती पे राम राज्य आ चुका है, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और अखंड भारत का निर्माण हो चुका है। 56 इस्लामिक देश बहुत जल्दी हिंदू राज के झंडे के नीचे आने वाले हैं। स्वयं की प्रेरणा से जो तलवार के दम पर मुस्लिम बने थे वो वापस भारत के अंदर हिंदुस्तानी बनना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जय श्री राम के नारों के साथ ढोल बजते हुए लोग डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर ये डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे जरा बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज राम मंदिर में रामलला। राम 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 के अंदर राम के नारों पे थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे रामलला वापस आएंगे। मोदी जी ने अपना काम कर दिया, बाकी काम हमारा। जय श्री राम हो गया काम, 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 जय श्री राम। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पर महिलाओं का झुंड है, क्या कहेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। अच्छा यहाँ पर तमाम लोग हैं, भाई साहब क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर की, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 500 वर्षों से हम सब इसके लिए प्रयासरत थे, हमारे पूर्वज प्रयासरत थे और कड़ी जो हमने संघर्ष किया है उसके बाद ये भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो पाया और हमारे रामलला भव्य मंदिर में उनके गर्भगृह में उनका प्रवेश हो पाया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद दूंगा और यही कामना करता हूं प्रभु राम की कृपा सभी पे बनी रहे और सुख शांति व्याप्त रहे। धन्यवाद।